दर्शकों को नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। वनराज से बदतर बनेगा अनुज, होली पार्टी के में सबके सामने अनुपमा के उड़ाएगा धजिया। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार अनुपमा ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शो लगातार बीते कई सप्ताह से टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पोजीशन पे है, लेकिन अनुपमा का करंट एपिसोड दर्शकों को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। बीते दिन भी अनुपमा में दिखाया गया था कि धीरज और देविका अनुज और अनुपमा को शादी के बाद पहली होली मनाने के लिए कहते हैं। वहीं अनुपमा उसे बताते हैं कि यह परी अधिक और पाखी की भी पहली होली है, लेकिन उसके मुंह से ये बात सुनते ही अनुज का पारा चढ़ जाता है। हालांकि रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते। रूपाली गांगुली के अनुपमा में देखने को मिला था कि अनुपमा देविका के साथ होली पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर पूरा शाह परिवार मौजूद होता है, उसके तीन बच्चे काफी खुश होते हैं और धूमधाम से होली मनाते हैं, लेकिन अनुपमा को छोटी की कमी खलती है। यहाँ तक कि उसे सपने में भी दिखता है कि छोटी अनु वहां पर उसके साथ होली मनाने आई है। वह अनुपमा के गले भी लगती है, लेकिन कुछ देर में अनुपमा का यह सपना टूट जाता है। अनुपमा में जल्द ही देखने को मिलेगा कि होली पार्टी में काव्या वनराज को छोड़कर अनिरुद्ध के साथ डांस करती है। उसे ऐसा करता देख पूरा मोहल्ला बातें बनाने लगता है। ये चीज देख कर वनराज भड़क जाता है और उस हाथ पकड़ कर खींच कर अपने साथ ले जाता है। अनिरुद्ध वनराज का व्यवहार देख कर चेतावनी देता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि जब वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती है तो तुम्हें छोड़कर मेरे पास भी आ सकती है। अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं पर खत्म नहीं होता है। शो में दिखाया गया है कि अनुज धीरज के साथ होली पार्टी में पहुंचेगा, लेकिन वहां अनुज देख के अनुपमा को सब रंग लगा लेते हैं और वह भी सबके साथ होली खेल रही है। अनुपमा को जैसे ही अनुज पर नजर जाती है, वह हाथों में गुलाल लेकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन अनुज पूरे परिवार और लोगों के सामने अनुपमा पर भड़क जाता है। 20 मार्च से जुड़ी टीवी की पांच बड़ी खबरें। टीवी इंडस्ट्री में आज भी बहुत कुछ हुआ है जिसे जानकर काफी एक्साइटेड है। एक्ट्रेस दिलजीत कौर शादी के बाद अपने पति निखिल पटेल संग हनीमून एंजॉय कर रही है और अब एक्ट्रेस ने अपने हनीमून की कुछ फोटोज शेयर की है। इसके अलावा संपूर्ण खान ने अपने एक इंटरव्यू में पुराने दिनों को याद किया है और बताया है कि कैसे इमली की शुरुआती दिनों में उन्हें ट्रोल किया जाता था। कुछ इसी तरह से बड़ी खबरें को लेकर आज हम आपके सामने आए, तो चलिए एक नजर डालते हैं इन पांचों खबरों पर। पंडा स्टोर ने पूरे किए 700 एपिसोड। स्टार प्लस के सीरियल पंडा स्टोर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस सीरियल में शाइनी, दोषी, कवर ढिल्लो, अंकिता बहुगुना समेत कई कलाकार नजर आते हैं। इस सीरियल ने अब अपने 700 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीरियल के सेट पर कई कास्ट ने जमकर धमाल मचाया। कुंडली भाग्य को छोड़ने से पहले खूब रोई रूही चतुर्वेदी। टीवी एक्ट्रेस रूही चतुर्वेदी ने सीरियल कुंडली भाग्य को अलविदा कह दिया है। इस शो से जाने के बाद रूही ने कहा कि कुंडली भाग्य मेरे लिए पहला शो है और इसे छोड़ने का फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घर में कई बार रोई, मेरे पति शिव को ने भी मुझे शांत कराया और समझाया कि जो हुआ उसमें खत्म हो जाने दो। दिलजीत कौर ने शेयर किया डिनर डेट की फुटेज। टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर अपने पति निखिल पटेल साथ हनीमून एंजॉय कर रही है और दिलजीत ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए जिसमें वह अपने पति के साथ डिनर एंजॉय करते दिखी। दीपिका कक्कड़ ने बताई डिलीवरी का टाइम। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है जिसमें वह अपना बेबी बम प्लांट करते नजर आई। दीपिका ने फैंस को बताया है कि वह जल्द ही मां बनने वाली है और अब बेबी को आने में कुछ ही दिन बचे हैं। सुंगुल ने याद किए पुराने दिन। हाल ही में सुंगुल तौकीर खान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि सीरियल इमली के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ रहा था। एक्ट्रेस ने कहा कि सावली होने की वजह से लोगों ने कहा था कि उन्हें शो में क्यों कास्ट किया गया है। शुरुआती दिनों में सीरियल की टीआरपी भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ा तो लोगों ने मेरी तारीफ भी करना शुरू कर दिया। बेकाबू में रावण रायचंद बन फैंस के बीच छा गए शालिन भनोट। एक्टिंग देखकर हर कोई बोला द सुपरस्टार। टीवी के हैंडसम हंक एक्टर शालिन भनोट स्क्रीन पर लौटा है। बिग बॉस 16 से लाइमलाइट में आए शालिन भनोट सीरियल बेकाबू में लीड किरदार निभा रहे हैं। इस सीरियल शालिन भनोट के साथ
एक्ट्रेस ईशा सिन्हा भी नजर आ रही है। सीरियल बेकाबू सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है, जिसमें शालिन एक राक्षस की भूमिका निभाते नजर आए। एक्टर के किरदार का नाम रावण रायचंद है, जिसे अभी अपनी शक्तियों का पता नहीं है। इस वीकेंड से शुरू हुए इस सीरियल ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया है और अब सोशल मीडिया पर हर कोई शालिन भनोट की तारीफ कर रहा है। दरअसल सीरियल बेकाबू बीते शनिवार से ही टीवी पर ऑन एयर हुआ है, जिसमें शालिन भनोट और ईशा के अलावा एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भी नजर आएगी। लेकिन शुरुआती दो एपिसोड में शालिन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एक्ट्रेस ने अपने किरदार के साथ नया किया है। शालिन फैंस को शालिन की एक्टिंग काफी पसंद आई। कई लोगों ने ट्विटर पर कहा कि वह इस सीरियल को सिर्फ शालिन के लिए देख रहे हैं। एक फैन ने लिखा, जिस हिस्से में रावण अपने पिता की मूर्ति के नीचे बैठे थे और अपने जीवन के दुखों के बारे में बात करते हुए दिल से रोए थे, सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए। बता दें कि आखिर बार शालिन भनोट को बिग बॉस 16 में देखा गया था। इस शो में शालिन को परफेक्ट एक्टर कहा गया था। बिग बॉस रियल पर्सनैलिटी का खेल है, लेकिन कई लोग को शालिन की पर्सनैलिटी फेक लगी। हालांकि एक्टर ने हर तानों का सामना करके खुद को टॉप 5 में पहुंचा ही दिया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।